शहीद मेजर कमलेश पांडे का अंतिम संस्कार आज हल्द्वानी के रानीबाग में किया जाएगा। मेजर कमलेश पांडे जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। मेजर कमलेश पांडे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कनाली छीना गांव के रहने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उनका परिवार हल्द्वानी के ऊंचा पुल इलाके में रह रहा है। मेजर पांडे की शहादत से उनका पूरा परिवार गम में डूबा है, लेकिन उनके पिता को उनकी शहादत पर गर्व है। मेजर पांडे के पिता मोहन चंद्र पांडे भी रिटायर्ड फौजी हैं। हमारा कमलेश तो आज चले गया, दुनिया से शहीद हो गया, लेकिन जब तक ये राजनीति खुला हुक्म नहीं देगी तुम करो, यहाँ पर अटैक करना नहीं होगा, क्योंकि जब तक लड़ाई पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे तब तक हमारे देश में कहीं भी शांति नहीं होगी, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कहीं। मेजर कमलेश पांडे के छोटे भाई धीरेश पांडे भी आर्मी में हैं। मेजर पांडे के चचेरे भाई पंकज ने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह भारत में आतंकवाद फैला रहा है उसे खत्म करने के लिए एक बार आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। महज 28 साल की उम्र में देश के लिए जान कुर्बान करने वाले मेजर कमलेश पांडे की पत्नी गाजियाबाद में नौकरी करती हैं, जबकि उनकी बेटी अभी महज 2 साल की है। मेजर पांडे की शहादत से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।